नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबर पर। नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए बयान पर नहीं थमा बवाल। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा, इस बयान को देखकर ऐसा लगता है कि वो आजकल गंदी फिल्में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में की गई टिप्पणी पर नीतीश कुमार पर बरसे। कहा, ऐसे दृश्य रखने वाले आपका मान सम्मान कैसे रखेंगे, वे कितना नीचे गिरेंगे। विपक्ष गुट इंडिया की चुप्पी पर उठाए सवाल। अफ्रीकी अमेरिकन सिंगर मैरी मेलबेन ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ दिया बड़ा बयान। कहा, यदि वह भारतीय होती तो नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ती। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 95.49% लोगों के पास कोई वाहन नहीं है, जबकि केवल 3.8% के पास दोपहिया वाहन है और 0.11% के पास कार है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों में मुठभेड़। द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़ा एक आतंकवादी ढेर। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। दिल्ली में आज सुबह AQI 420। दिवाली से पहले मामूली राहत के आसार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस महीने क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने की योजना बना रही है। कैश फॉर क्वेरी मामले में मुश्किल में टीएमसी सांसद मोहम्मद मोइत्रा। एथिक्स कमेटी ने की महुआ की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश। मणिपुर में जातीय हिंसा से प्रभावित 4 जिला मुख्यालयों में मोबाइल इंटरनेट सेवा से प्रतिबंध हटाया गया। मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह फैसला। 29 दिन बाद इंग्लैंड जीती कोई वनडे मैच। नीदरलैंड्स को 160 रनों से हराया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करते हुए बचाया सम्मान। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।